इसको हम पावर सप्लाई ऑन करके देखेंगे और इसमें सेटिंग करके देखेंगे कि कैसे इसमें सेटिंग करना है। ये मैं पावर सप्लाई ऑन किया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। आज भी इसमें सेटिंग करने के लिए पहली सेटिंग में देखेंगे, आप इसमें आप देख रहे हैं ये एक ब्लू लाइट ऑन हो रही है। सिंगल ब्लू लाइट का ऑन होने का मतलब है जैसे ही मोशन होगा, जैसे स्टेयर केस के पास में कोई आएगा, वैसे सिंगल स्टेयर केस का एलईडी ऑन होगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं सिंगल एलईडी एकदम फास्ट ऑन होते जा रही है। अगर इसी स्विच को मैं एक और बार दबाता हूं, आप इसको देख सकते हो ये फर्स्ट से सेकेंड में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे स्टेयर केस के पास में कोई जाएगा वैसे एक साथ दो एलईडी दो स्टेयर केस का लाइट ऑन होगा। इसमें आप इसको देखिए दो एलईडी एकदम फास्ट से ऑन हो रहा है। तीसरी बार इसको दबाएंगे तो एलईडी तीसरे पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे स्टेयर केस के पास में कोई जाएगा वैसे तीन स्टेयर केस का एलईडी एक साथ ऑन होगा, आप इसमें देख सकते हैं। और जैसे इसको चौथी बार दबाएंगे तो ये फोर्थ इस पे आया है। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे स्टेयर केस के पास में कोई जाएगा वैसे एक साथ चार स्टेयर केस का लाइट ऑन होगा, आप इसमें देख सकते हैं। और जैसे इसको पांचवी बार दबाएंगे ये पांचवी इस पे आएगा लाइट। तो जैसे मोशन होगा स्टेयर केस के पास में कोई जाएगा वैसे ही एक साथ पांच स्टेयर का लाइट ऑन होगा। तो ये हो गया पहले स्विच में का पहला ऑप्शन। सेकेंड सेटिंग को अगर आपको करना है तो इसके लिए नंबर एक को 5 या 4 सेकेंड के लिए कंटिन्यू आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद में पांचों जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे जो पांचों एलईडी है ऑन हो जाएगी। वो एलईडी ऑन होने के बाद तुरंत आपको नंबर को सेट करना है। नंबर सेट में इसमें क्या होगा, जैसे आप एक नंबर 4 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो जो उसकी सेटिंग होगी, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे केवल 14 स्टेयरकेस है तो 14 स्टेयरकेस आप सेकेंड ऑप्शन में सेट हो सकता है। तो इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5 अभी इसमें आपको सेट करना है। पहला स्टेयरकेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ऐसे जितने स्टेयरकेस में आपको ये फंक्शन चलाना है उतना सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप होता हूँ, ये हो गया इसका सेटिंग, ठीक है। अभी हम इसको, और ये है हमारा, ये हमारा हो गया सिंगल स्टेयर। तो धीरे धीरे ये ऑन होगा, सिंगल स्टेयर केस ये ऑन होगा और यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा ये, क्योंकि सेटिंग हमने केवल 33 नंबर तक ही किया है। इसके आगे की एलईडी ऑन नहीं होगी, बस यहीं तक इसका सेटिंग होगा। और अगर हम इसको सेकेंड लेवल पे लाएंगे तो ये दो एलईडी दो स्टेयर केस एक साथ ऑन होगा और 23 पे ये स्टॉप हो जाएगा, आप इसमें 23 पे ये स्टॉप हो गया। तो पहले नंबर में जो है दो सेटिंग है, पहला जैसे स्टेयर केस के पास में कोई जाएगा तो एलईडी स्टेयर केस की लाइट कितने काउंट में ऑन होगी वो इसमें सेटिंग है। फॉर एग्जांपल एक साथ दो लाइट एक साथ ऑन होगी या तीन एक साथ ऑन होगी या चार स्टेयर केस का लाइट
एक साथ ऑन होगा। और एक नंबर में दूसरा ऑप्शन क्या है, कितने स्टेयर केस तक आपको ये फंक्शन वर्किंग करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इसको सेटिंग किया हुआ है 23 नंबर तक, अगर आपको इसको चेंज भी करना है तो एक नंबर को 4 सेकेंड के लिए कंटिन्यू दबाना है, जैसे दबाएंगे यहाँ पे 4 लाइट ऑन हो जाएगी। अभी आपको इसको सेटिंग करना है, देख लीजिए ये आगे आगे जा रहा है, फिर से एक पे आ गया। अगर मैं 3 पे करता हूं तो ये 3 पे सेट हो गया है, ये हो गया सेट। तो जैसे आप इसमें जाएंगे, मैं सिंगल पे करता हूं, जैसे मोशन होगा ये लीजिए, केवल 3 ही एलईडी इसमें ऑन हो चुकी है। अगर मैं सेकेंड में लाता हूं तो देख लीजिए केवल 3 ही ऑन होगा, क्योंकि मैंने 3 स्टेयर केस तक ही सेटिंग किया हुआ है। अभी हम दूसरे नंबर में सेटिंग क्या है उसको देखेंगे। दूसरे नंबर में भी 2 सेटिंग है, पहली सेटिंग ऐसा है इसमें टाइमिंग का है, टाइमिंग इसमें 5 है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। तो ये टाइमिंग आपको TDS में मिल जाएगा, तो इसमें टाइमिंग का सेटिंग है। अभी इसमें जैसे हमने पहले स्टेप में देखा था, जितनी बार हम इसको प्रेस करेंगे सेटिंग चेंज होगा, LED चेंज होगी, स्टेयर केस का काउंटिंग चेंज होगा, वैसे इसके अंदर अभी ये 2 हो गया, 3, 4 ये हो गया सिंगल। इसमें सेटिंग ऐसा है, अभी ये सिंगल ब्लू लाइट ऑन है, तो इसका मतलब ये है कि ये केवल 10 सेकेंड तक ये ऑन रहेगा। कोई भी पर्सन स्टेयर केस क्रॉस करने के बाद में 10 सेकेंड तक लाइट ऑफ नहीं होगा, आफ्टर 10 सेकेंड लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। अगर मैं इसको 2 बार प्रेस करता हूं तो ये हो गया 20 सेकेंड का, अगर 3 बार प्रेस करता हूं तो ये हो गया 40 सेकेंड का, 60 सेकेंड और ये 100 सेकेंड। तो ये सारे सेटिंग्स है, मैं इसको फंक्शन करके दिखाऊंगा। ये एक नंबर हो गया, इसको सेटिंग जो है हम चेंज करते जरा, हम 32 स्टेयर केस का, ये मैं इसको 32 स्टेप हो गया, और इसको हम सिंगल में करते हैं, ये हो गया सिंगल वाला। अब इसके अंदर 10 सेकेंड का हम देखेंगे, ये है हमारा 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड के बाद में लाइट सारी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, वो भी सिंगल सिंगल स्टेप। आप इसमें देख सकते हैं सिंगल सिंगल स्टेप ऑटोमेटिकली ऑफ होता जा रहा है, ये हो गया। अब इसकी टाइमिंग चेंज अगर आपको करना हो तो इसको सेकेंड पे आपको लेके आना है, ये हो गया सेकेंड पे। तो इससे क्या होगा, 20 सेकेंड के बाद में लाइट्स ऑफ होगी। आप ये जो देख रहे हैं ये सारी लाइट्स जो है ऑन हो रही है, वो लाइट्स 20 सेकेंड के बाद में ऑफ हो जाएगी। तो इसमें आप टाइमिंग ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरी सेटिंग कैसे करनी है, दूसरी सेटिंग है इसके अंदर ब्राइटनेस लेवल को कम करना और उसको बढ़ाना। ब्राइटनेस लेवल को कम करने के लिए, जैसे हमने नंबर 1 को 4 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखा था, वैसे ही 2 नंबर को प्रेस करके 4 सेकेंड के लिए हमें होल्ड करना है, ये हो गया सेटिंग। अब इसमें आपको ये हो गया 10% ब्राइटनेस, ये हो गया 10%। अभी आप इसमें देख सकते हैं हमने 10% ब्राइटनेस किया हुआ है, ये 30 वॉटेज की LED स्ट्रीप का हमने कनेक्शन किया हुआ है,
और हमने 10% किया है तो ये 4 वोल्टेज पे ऑन है, हमने सेटिंग 10% किया है तो ये 4 वोल्टेज पे ऑन है। आप ये पावर मीटर में देख सकते हैं ये इसका वोल्टेज है। और इसकी अगर हम सेटिंग चेंज करें, चेंज करने के लिए नंबर 2 को हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे, ठीक है। अब ये हमने किया है 20% ब्राइटनेस, अब देखिए ये 9 वोल्टेज पे आ चुका है, 9 वोल्टेज पे ये आ चुका है। अगर इसका अगर हम सेटिंग ब्राइटनेस अगर इसको बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो 2 को कंटिन्यू प्रेस आपको करना है, ये हो गया चेंज। 2 को थर्ड पॉइंट में ये करना है, 3 बार बत्ती ब्लू वाला लाइट ऑन होगा। अगर हम इसको वोल्टेज में देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हो इसमें 21 वोल्टेज आ गया। तो इस तरह से आप इसको सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो नंबर 1 में हमने आपको दिखाया है, नंबर 1 के अंदर जो सेटिंग्स है और नंबर 2 में जो सेटिंग्स है, इसके अंदर जो सेटिंग होगा टाइमिंग का और ब्राइटनेस का। नंबर 3 में जो आपका सेटिंग है इसमें भी 5 सेटिंग है, 5 से 6 इसमें सेटिंग्स है। इसमें सेटिंग ऐसा है कि 2 एलईडी के बीच में, फॉर एग्जांपल ये 2 एलईडी है, ये हमारी 2 एलईडी है, एक एलईडी दूसरी एलईडी, फर्स्ट स्टेयरकेस एंड सेकेंड स्टेयरकेस। फर्स्ट स्टेयरकेस से सेकेंड स्टेयरकेस के बीच में जो टाइमिंग है, फर्स्ट स्टेयरकेस की लाइट ऑन होने के बाद कितने सेकेंड के बाद सेकेंड स्टेयरकेस की लाइट ऑन होगी, ये जो टाइमिंग सेट होता है ये नंबर 3 में होगा। फर्स्ट स्टेयरकेस से लेकर सेकेंड स्टेयरकेस के बीच में जो टाइमिंग होगा, फर्स्ट स्टेयरकेस की लाइट ऑन होने के बाद सेकेंड स्टेयरकेस की लाइट जो ऑन होगा कितने सेकेंड के बाद ऑन होगा, ये जो सेटिंग है आपको नंबर 3 में रहेगा। नंबर 3 में एक ही सेटिंग है, वो है टाइमिंग का। पहली स्ट्रिप ऑन होगी उसके बाद 1 सेकेंड या 0.3 सेकेंड या 0.6 सेकेंड के बाद में ऑन होगा, तो ये जो सेटिंग है इसमें क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल 0.3 सेकेंड के बाद ये ऑन होता है तो 0.3 सेकेंड के बाद सेकेंड स्टेयर केस का लाइट ऑन होगा, 0.3 सेकेंड के बाद थर्ड स्टेप का ऑन होगा। इसमें मैक्सिमम 1.5 सेकेंड तक, 1.5 सेकेंड तक आप टाइमिंग चेंज हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको 1.5 सेकेंड आपको मैं सेट करके दिखाता हूं, 2, 3, 4 ये 5, ये हो गया 1.6। तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे एलईडी ऑन हो जाएगी, ये देखिए 1.5 सेकेंड के बाद ये एलईडी। तो इस तरह से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, एकदम पूरी तरह से इजी सेटिंग है इसकी। बस आपको ध्यान देना है कि नंबर 1 और 2 को सेटिंग, इसमें मल्टी सेटिंग है, एक कीज में 2 सेटिंग्स है। अगर सेकेंड सेटिंग को अगर आपको करना है तो इस जो बटन को है कंटिन्यू 4 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। सेकेंड जो इसका डिमिंग लेवल या ब्राइटनेस कम करना है तो इसको 4 सेकेंड के लिए प्रेस करके तुरंत आपको जो स्टेज है आपको सिलेक्ट करना है। अगर इसके अंदर जो इसमें सेकेंड फंक्शन है वो कितना स्टेयर केस तक ही आपको फंक्शन ऑन रखना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो इसमें अगर आपको सेटिंग करना है तो उसके लिए 4 सेकेंड के लिए नंबर 1 को कंटिन्यू प्रेस करना पड़ेगा और नंबर 3 में फर्स्ट स्टेयर की एलईडी ऑन होने के बाद सेकेंड स्टेयर केस की एलईडी कितने सेकेंड बाद कितने टाइमिंग के बाद ऑन होगी, वो टाइमिंग नंबर 3 में आपका सेटिंग होगा। और फिर भी और कुछ अदर आपको
सेटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको दिया हुआ है। थैंक यू।